इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। श्रोतो, आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सोनू वालिया से। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सोनू जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सोनू जी। जहां तक कामयाबी, शोहरत और दौलत की बात है, तो ये तीनों चीजें तो आपको मॉडलिंग से मिल गई थी, फिर आपने फिल्म क्यों ज्वाइन की? इसलिए क्योंकि मॉडलिंग में भी एक फेज रहा मेरा जी, और उस फेज में मैंने काफी कुछ कर लिया था। मतलब मैं नहीं समझती थी कि मैं कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और फिल्में उस वक्त मेरे लिए एक चैलेंज थी, क्योंकि जो भी चीज कठिन लगती है वो ज्यादा आकर्षित, यू नो, आप इंसान उसकी तरफ आकर्षित होता है। बचपन में यू नो स्टेज पे काफी एक्टिंग भी करती थी, तो मुझे अपनी एक्टिंग पर ज्यादा कॉन्फिडेंस था बजाय कि मैं खूबसूरत हूँ। सो विद मॉडलिंग आई गॉट यू नो कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, अभी मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ कि पर्दे पे आऊंगी तो लोग टमाटर फेंकेंगे, लेकिन अपनी एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से रहा है। तो फिर वही एक्टिंग का शौक आपको फिल्मों की तरफ ले आया जी। तो पहली फिल्म कौन सी थी आपकी, और पहली बार जब आपने कैमरे को फेस किया उस समय कैसा आपको महसूस हुआ, खासतौर से फिल्म कैमरे को? जी, बहुत फर्क है मॉडलिंग की दुनिया से आप फिल्मों की दुनिया में अगर कदम रखते हैं, क्योंकि जब पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था उस वक्त मुझे काफ़ी इमोशनल सीन यू नो परफॉर्म करने के लिए दिया गया था, एंड दैट वाज लाइक अ टेस्ट फॉर मी कि अगर मैं ये सीन कर पाऊंगी तो इसका मतलब है कि ठीक है, डायरेक्टर की चॉइस करेक्ट है। और मुझे याद है जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैंने, मतलब आई मस्ट हैव बीन अ लिटिल नर्वस, लेकिन कॉन्फिडेंट भी बहुत थी, और मैंने बस वो सीन कर डाला, और उसके बाद लोगों ने कहा चलो शुक्र है यू नो कि हमने जान में जान आई। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप चंडीगढ़ की हैं, और चंडीगढ़ से बंबई तक आने का जो सफर है आपका, हम मॉडलिंग से शुरू करते हैं, फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मॉडलिंग के बारे में बताइए कि कैसे मॉडलिंग में कैसे आई आप? दरअसल बात यह है कि जब मैंने अपनी स्टडीज मतलब अभी कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन उस वक्त से ही मुझे शौक था कि मैं मतलब काम करना शुरू कर दूं, बिकॉज आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने फादर पर डिपेंड रहूं, और उस वक्त मैं एक्चुअली जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन हुआ ये कि जर्नलिज्म में मैंने देखा कि इतना, मतलब यू डोंट मेक दैट काइंड ऑफ मनी कि एक लड़की अपने आप को टोटली यू नो प्रोवाइड कर सके अपनी सब जरूरतों के लिए। तो उस वक्त मुझे मॉडलिंग की ऑफर्स आई थी दिल्ली में, और 2-3 महीने की, और मैंने एक फैशन शो किया था, एंड आई वेंट टू अ लॉट ऑफ सिटीज़, यू नो वी ट्रैवल्ड ऑन दैट शो, और वो पैसा मैंने बचा के थोड़ा अपने पिताजी से बोरो करके मैंने कहा चलो अभी अगर मॉडलिंग ही मुझे करनी है तो बॉम्बे से बेहतर कोई जगह नहीं है, और मेरे फादर भी उस वक्त पोस्टेड थे देवलाली में, तो मुझे बॉम्बे ज़्यादा नज़दीक पड़ता था उनसे मिलने के लिए। सो आई दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे। सुनो जी, आपने देवलाली की बात की, यानी कि आपके पापा सर्विस में थे, डिफेंस की सर्विस जी, में। मॉडलिंग के क्षेत्र में फिल्मों में आने वाली ज्यादातर जो लड़कियां हैं उनका जो पारिवारिक परिवेश रहा है या पृष्ठभूमि कहें, कहीं ना कहीं जाकर के डिफेंस से जुड़ता है, यानी कि उनके पिता डिफेंस में रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्या वहां पर ऐसा माहौल मिलता है लड़कियों को आगे बढ़कर के सामने आने का? मैं समझती हूँ कि डिफेंस बैकग्राउंड में बच्चों को एक ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका मिलता है, क्योंकि बिकॉज देयर इज सो मच ट्रैवलिंग, और इतने अलग अलग स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, तो लोगों के साथ एडजस्ट करना और हाउ टू फेंड फॉर योरसेल्फ, एक सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत जल्दी कम उम्र में बच्चे में पैदा हो जाती है, क्योंकि यू आर टॉट टू बी सेल्फ रिलायंट। तो ये वजह है कि एक आर्मी के बैकग्राउंड में एक तरह से बच्चों की शुरू से ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता है जहाँ उनको दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैं कम से कम 13 स्कूल्स में गई थी, और हर बार जब मैं किसी नए स्कूल में गई तो मुझे नए तरह से फ्रेंड्स बनाने पड़े, और यू नो यू हैव टू एंड यू लर्न अ लॉट। आई थिंक जो कॉन्फिडेंस मुझ में मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे मिली है, उसी कॉन्फिडेंस ने मुझे आज तक बम्बई में मतलब कायम रखा है।
सुनो जी, तू सौंदर्य आपके नजरिए में क्या है, ब्यूटी क्या है? आई थिंक सौंदर्य अंदर से आता है। फिजिकली तो मैं आपको बताती हूँ, मेकअप बहुत कमाल की चीज़ है। आप मतलब बहुत ऑर्डिनरी फेस को भी एकदम इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि आप सोचेंगे अरे ये तो श्रीदेवी के सामने मतलब उनके मुकाबले में है। लेकिन एक चीज़ जो है वो एक अंदरूनी है, जो आई थिंक लाइक अ गुड स्माइल, यू नो, और हैप्पीनेस, और एक इंसान की बेसिक नेचर, वो नेचर जो चेहरे पे नजर आती है, दैट ब्रिंग्स, दैट शोज कैरेक्टर। एंड आई थिंक कि ब्यूटी जो है वो कैरेक्टर से ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस की जाती है, बजाय इसके कि सिर्फ आपकी खूबसूरत आंखें हैं, खूबसूरत नाक है, और यू नो खूबसूरत होंठ हैं, और आपका चेहरा बड़ा ओवल है और वो सब। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सौंदर्य सिर्फ मासूम है, कभी कभी सौंदर्य उस चीज़ में भी है जो कि बहुत गहरी है, यू नो, जो ऊपर से बड़ी रफ सी नजर आती हैं चीजें। हाँ, लेकिन उनके भीतर भी एक सौंदर्य होता है। बहुत, अभी जैसे बैंडिट क्वीन है, एक फिल्म है, उसमें ना सीमा बिस्वास, व्हेन शी इज एक्टिंग, जब वो इमोशन है और वो एक कैरेक्टर है वो आपके सामने नजर आता है, तो उस वक्त वो कैरेक्टर भी आपको खूबसूरत लगता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दैट पर्सन एट दैट मोमेंट। आप ये बताइए कि आपने चुनौती की बात की थी बहुत पहले, तो वो जो चुनौती आपने समझा था फिल्मों में काम करने को, कहाँ तक उसका सामना किया आपने और किस तरह से किया, और क्या आप जिस तरह से सोच करके आई थी फिल्मों के बारे में कि इस फील्ड में आप ये करेंगी वो कर सकती हैं, आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको आप सामने ला सकती हैं, क्या वो संतुष्टि आपको मिल पाई है? देखिए, जब मैंने फिल्में ज्वाइन की थी उस वक्त सागर सरहदी की फिल्म बाजार रिलीज हुई थी, और सच पूछे तो मेरा जो एम्बिशन था वो ये था कि मैं उन जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं उस तरह की, मेरा फेस या जो मेरा मतलब जिस तरह की मैं दिखती हूँ वो उन सब्जेक्ट्स में इतनी आसानी से ब्लेंड नहीं हो सकते। वो कैरेक्टर्स जो हैं दे आर वेरी रियल, यू नो, रस्टिक एंड टिपिकल इंडियन। और इस वजह से मुझे एक्टिंग का शौक था कि मैं कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ। मुझे ये नहीं था कि मैं नंबर वन स्टार बनूँ या नंबर वन ग्लैमर गर्ल बनूँ, जो कि लोगों ने मुझे देखकर समझा कि हाँ इसका तो एम्बिशन वही होगा। लेकिन मन में मेरे कुछ और था, मन में ये मुझ में ये इच्छा थी कि मैं अलग अलग रोल्स निभाऊं और अलग अलग अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं। कुछ हद तक मैं उसमें सफल रही हूँ, आई हैव वर्क विद सम गुड डायरेक्टर्स, लेकिन बहुत अच्छे रोल्स पाना फिल्मों में इतना मुमकिन नहीं है, अनलेस यू आर अ वेरी बिग बॉक्स ऑफिस सक्सेस। यू नो, औरतों को वैसे भी एक सेकेंड सिटीजन्स मानते हैं। आज की लड़की जो है, जो अभी से, अभी जो 16-17 साल की लड़की है, वो मतलब इस अंदाज से अपने आप को पेश करती है जैसे कि वो मतलब किसी लड़के से कम नहीं है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये ज़रूर आएगा, ऐसा टाइम भी आएगा जब औरतों को, यू नो, विद मेन एक पार पे देखा जाएगा। लेकिन आई थिंक दिस गोज डीप डाउन इन टू आर, यू नो, इनहेरिटेंस। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि हर आदमी की ज़िंदगी में कोई भी पहला मौका जो होता है, जैसे पहली बार आपने मॉडलिंग की होगी, पहली बार कैमरे को जब आपने किसी फिल्म में काम किया, पहली बार हम कोई कविता लिखते हैं, या कोई भी अचीवमेंट हमारा जो होता है वो बड़ा ज़िंदगी में अहम होता है, और उसकी यादें, मीठी यादें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। आपके साथ में भी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे, बहुत सारे होंगे, और फिल्म में कभी आपने उसके बाद पहली बार ऑटोग्राफ भी दिया होगा, इस बारे में कुछ बताइए, ऐसी जो चंद आपकी ज़िंदगी में लम्हे आए होंगे उनके बारे में। आई थिंक जो पहली बार हमने मतलब कैमरा फेस करके, लेट्स से द फर्स्ट एड दैट आई शॉट फॉर, द फर्स्ट फिल्म दैट आई शॉट फॉर, उस वक्त जब वो हो रहा होता है, इंसान उस वक्त ये नहीं सोचता कि ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। उस वक्त बहुत नर्वस होता है कि अरे ये ठीक हो पाएगा कि नहीं, और ये मतलब क्या मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल रहूँगी या नहीं, तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अलोंग विद इट, यू नो। सो जब वो वक्त हो रहा होता है उस वक्त आप उसको उतना, उसका इतना मजा नहीं ले सकते, लेकिन बाद में जब आप लुक बैक करते हैं तब आपको याद आते हैं वो दिन, एंड यू रियलाइज कि एक इनोसेंस थी तब, कि एक अनसर्टेनिटी थी, एंड यस, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशियस मोमेंट्स। पहली बार जब आप उसके लिए पैसे मिले तो आपको लगा होगा कहीं ना कहीं एहसास कि ये मेरी कमाई है। एब्सोल्युटली, जब पहली बार मैंने एक कैलेंडर के लिए
शूटिंग की थी उस वक्त मुझे 1500 रुपए मिले थे, और मेरे लिए 1500 रुपए वाज लाइक, अरे मेरे एक महीने की जो मतलब रेंट थी वो 900 रुपीज थी, तो मैंने कहा अरे इसका मतलब मैं एक महीना और बम्बई में रह सकती हूँ, यू नो। अच्छा ये बताइए कि एक अभिनेत्री बनने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? कुछ हद तक ये बदलाव आया कि लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे अलग हो गई, और मतलब बिग स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को, लोगों से आपको ज़रा दूर कर देती है, क्योंकि पर्दे पर इतने बड़े यू नो 70mm में आपको देखकर लोग आपके बारे में एक 70mm इमेज बना लेते हैं, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं ये जो नॉर्मल इंटरेक्शन होती है आई मिस्ड दैट, यू नो, फॉर मी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ माय लाइफ, कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं अगर मतलब मैं कुलाबा में मैं चल आई शुड बी एबल टू वॉक। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि फुर्सत में घूमें, बारिश में भीगें, जाके चौपाटी पर भेलपूरी खाएं या थिएटर में बैठ करके दूसरों की तरफ फिल्म देखें, तो कई बार आपको ये सारी चीजें आप ये मिस करती होंगी कहीं ना कहीं? मैं मिस ही नहीं करती, मैं आई मेक इट अ पॉइंट टू यू नो टू मेक टाइम फॉर दैट, क्योंकि जहां जहां अगर मैं ठीक है यू नो आप सोच के समझ के आप ये सोच लीजिए कि हाँ मैं मतलब ऐसी जगह में नहीं कर सकती जहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते हों, लेकिन ऐसी जगह में तो कर सकती हूँ जहाँ लोग मुझे इतना नहीं जानते हों, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, ऑल दोस ब्यूटीफुल मोमेंट्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए हमेशा वक्त रखूँ अपने लिए, जब मैं ट्रैवल करती हूँ या अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, एक जो नॉर्मल लाइफ के छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जी those are very important, I think that is what life is all about, वो आपकी पूंजी बन जाते हैं। जी जी। अच्छा सुनो जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा डिफेंस में रहे, तो काफी जगह भी आपने घूमी होंगी हिंदुस्तान की, बहुत सारी जगह घूमी होंगी, हिंदुस्तान को कितना देखा आपने, कैसा पाया? हिंदुस्तान को मैंने बहुत करीब से देखा है, जहाँ जहाँ भी मैं रही हूँ वहाँ पे स्कूलों में पढ़ी हूँ, वहाँ के लोगों के साथ मतलब मेरी क्लासमेट्स थी, जैसे अगर गुजरात में थी तो गुजराती थी, सो आई थिंक आई बीन वेरी लकी। सिर्फ दो जगह हैं जो मतलब अभी तक मैंने देखी नहीं है, और वो है कश्मीर और कन्याकुमारी। बहरहाल वो आप देख लेंगे कभी ना कभी, क्योंकि कहा भी जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत के दूसरे हिस्से आपने देख लिए। लेकिन एक चीज आपकी बातचीत से एक सवाल और निकलता है जो मुझे अभी याद आ गया, मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा कि भारतीयता आपकी नजरिए में क्या है? वो ये है कि हम सभी एक हैं, और ये जो बाउंड्रीज हैं ये सब हमको एक, ये सीमाएं हैं ये सिर्फ फिजिकल हैं, लेकिन एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल वन, और दैट वे आई थिंक कि माय यू नो थिंकिंग इज मोर यूनिवर्सल। मैं समझती हूँ कि सारी दुनिया, हम अपनी ओर से विविध भारती की ओर से अपनी श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप शोहरत की नई बुलंदियों को छुएं, कामयाबी के नए शिखरों को स्पर्श करें, यही हमारी तहे दिल से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सोनू वालिया से कमल शर्मा की बातचीत। इनसे मिलिए।